हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जूलॉजी के बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड की, जो कि 2018 का है। इसके पहले वाला क्वेश्चन हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नेरियस इज, तो नेरियस कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी होता है। और 27 क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ पैरापोडिया, तो इसकी ओरिजिन जो है बायरेमस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास हिरोडिनिया इंक्लूड्स द फैमिलियर जीनस, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूरल फंक्शन ऑफ पैरापोडिया इज, तो इसका फंक्शन होता है रिस्पिरेशन और लोकोमोशन। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन नेरिस, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फीमेल हेटेरिस और मेल हेटेरिस फर्टिलाइजेशन करते हैं वाटर में, एक्सटर्नल होता है जो कि। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन नेरिस इज कैरीड आउट बाई, तो इसमें जनरल बॉडी सर्फेस से रिस्पिरेशन प्रोसेस होती है, गिल्स और लंग्स नहीं होता, गिल्स और लंग्स मोलस्का में होता है। नेक्स्ट है द थ्री मेल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन नेरिस आर, तो ये होते हैं डॉर्सल, वेंट्रल और पेरिन्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेरिस आर, तो नेरिस होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो स्टार फिश यानी काइनोडर्मेटम पाया जाता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो होता है इंसेक्टा। अगला क्वेश्चन द बिगेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ स्पीसीज, तो होता है आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड्स आर चीफली करेक्टराइज बाय, तो इसमें जॉइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं, स्यूडोसील एस्की हेलमेंथीज में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेरिपाइटस इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन व्हिच ऑफ द व्हिच टू फाइला, तो ये हो गए एनिलिड और आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है स्टेट प्लेट इज फाउंड इन, तो ये प्राण में पाया जाता है जो कि फायरिंजी पाइलोरिक ग्लैंड में पाया जाता है स्टमक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडिज इन प्राण इज यूनिरेमस, तो यहाँ पे एंटीन्यूल यूनिरेमस होता है, बाकी जितने भी अपेंडिजेज होते हैं वो बायरेमस होते हैं। नेक्स्ट है द ब्रीडिंग पीरियड ऑफ प्राण इज, तो मई से जुलाई होता है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मैंडिबल्स इन प्राण इज, तो इसका फंक्शन मस्टिकेशन यानी चबाना होता है। नेक्स्ट है द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्राण ऑफ इस टाइप, तो इसमें ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप एनिलिडा में, नेरिस में होता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ आइज प्रेजेंट इन प्राण, तो इसमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है परिमेन बिलोंग्स टू क्लास, तो ये क्रस्टासिया में से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अपेंडिजेस प्रेजेंट इन सिफाइलोथोरेसिस रीजन ऑफ प्राण, तो 13 होते हैं। नेक्स्ट है स्टेटोसिस्ट इज प्रेजेंट विद इन, तो एंटीन्यूल में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है पैल्यूमन मालकोम सनी इनहैबिट, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और पैल्यूमन मालकोम सनी को माइक्रोब्रेजियम और फ्रेश वाटर प्राण भी कहते हैं। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ एडल्ट प्राण इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट, तो 19 सेगमेंट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट है इन दी सेकंड मैक्सिलिपिड ऑफ प्राण विच ऑफ दिस पार्ट इज नॉट प्रेजेंट, तो वहाँ पे ग्रैंथोबेसिस नहीं प्रेजेंट होते, जबकि फर्स्ट मैक्सिलिपिड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द क्रस्टासियन बायरेमस अपेंडिजेस हैव अ पार्शियल पार्ट नोन एज, तो उसको कहते हैं हम इंडोपोडाइट। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ अपेंडिजेस प्रेजेंट इन प्राण, अपेंडिजेस यानी सेगमेंट जो कि होते हैं 19। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्राण, तो ये होते हैं एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड। मालपिगियन ट्विन भी आर्थ्रोपोडम पाए जाते हैं, लेकिन प्राण में एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट है द थोरैसिक अपेंडिजेस ऑफ प्राण इंक्लूड, तो थोरैसिक अपेंडिजेस में होते हैं 3 पेयर ऑफ मैक्सिलिपेड्स और 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ अपेंडिजेस प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन ऑफ प्राण, तो वहाँ पे 6 पेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द रिस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन प्राण, तो होते हैं पेयर ऑफ ब्रैचियो स्टेगाइट, 3 पेयर ऑफ एपिपोडाइट्स एंड 8 पेयर ऑफ गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइलियोमन मालकोम सोनीस, तो ये डाइसियस होते हैं यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रो ब्रांच इज नोन एज, तो इसको ज्वाइंट गिल कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग गिल्स आर नोन एज साइड गिल, तो इसको हम प्लूरो ब्रांच कहते हैं, पोडो ब्रांच को हम फूट गिल कहते हैं। नेक्स्ट है अपेंडिक्स मैस्कुलिना इज फाउंड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग अपेंडिजेस, तो होते सेकंड प्लियोपोड में मेल के पाया जाता है। नेक्स्ट है परियोमन मालकोम सोनी बिलोंग्स टू ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर डिकाइपोडा है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं इंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड आइज इन आर्थ्रोपोड फ्रॉम अपोजिशन इमेज, तो ब्राइट लाइट में अपोजिशन इमेज होता है, जबकि डिम लाइट में सुपर पोजिशन इमेज होता है। नेक्स्ट है द विजुअल यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज, तो ये होता है ओमेटिडियम। नेक्स्ट है मेलिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये मोलस्का की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट है द लार्वा ऑफ मोलस्का इज, तो इसमें वेलिगर ग्लॉचिरियम कभी कभी ट्रोकोपोल लार्वा भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉनकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो कॉनकोलॉजी सेल मोलस्का के सेल की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल इज, तो इसको पाइला को कहते हैं। अगला है एरियल रिस्पिरेशन इन पाइला कर्स फ्रॉम, तो पल्मोनरी सैक या लंग के थ्रू एरियल रिस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पाइला, तो इसमें रिनल ऑर्गन होता है। केबर्स ऑर्गन भी पाए जाते हैं, लेकिन वो पाइला में नहीं पाए जाते, मोलस्का में ही वो भी लेकिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टूर्सनी सीनी, तो पाइला में गैस्ट्रोपोडा के क्लास में पाया जाता। नेक्स्ट है द सेल कॉइलिंग राइट हैंडेड, इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रल, जबकि लेफ्ट हैंडेड यानी एंटी क्लॉकवाइज को सिनिस्ट्रल कहते हैं।
नेक्स्ट है द टिनिडियम परफॉर्म रिस्पिरेशन इन, तो ये वाटर में रिस्पिरेशन करता है और गिल भी वाटर में ही रिस्पिरेशन करता है। नेक्स्ट है पाइलाइज, तो पाइला में डाइसियस मेल और सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है मेनी टीथ आर फाउंड इन रो ऑफ रेडुला, तो 7 टीथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन दी ब्लड ऑफ मोलस्काइज, तो इसमें हीमोसाइनिन होता है। नेक्स्ट है ब्लड ऑफ पाइला कंटेन, तो पाइला का ब्लड कंटेन करता है अमीबोसाइट। नेक्स्ट है ग्ली इज मेनी पिगमेंटेड इन, तो पेक्टिनेट, तो ये पाइला में होता है। नेक्स्ट है पेंटासिराज बिलोंग्स टू क्लास, तो ये स्टीरॉइडिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पेंटासिराज, तो इसमें पाइपुली रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट है लार्वल स्टेजेस इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सी स्टार, तो इसमें बाइपिनेरिया ब्रैकियोलेरिया दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोटल लाइटर इज फाउंड इन, तो इकाइनस में पाया जाता है जो कि मास्टिकेशन यानी कि चबाने में मदद करता है। नेक्स्ट है ओपियोप्लेटियस इज, तो ये इकाइनोडर्म से रिलेटेड है, उसका ही सब क्लास है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिलोम प्रेजेंट इन सी स्टार, तो उसमें इंटीरो सिलोस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स आर फाउंड इन दी, तो पूरे मैराइन एनिमल्स यानी इकाइनोडर्मेटा में पूरे सब समुद्री जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पेडिसिलिया इज टू, उसका फंक्शन होता है कैप्चर और रिमूवल डेब्रिस और माइन्यूट ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्म आर्कल, तो उसको हम ट्यूब फीड कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, तो वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इज, तो इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन में। नेक्स्ट है एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्म, तो उसमें एब्सेंट होता है। फ्लेम सेल प्लेटियल मेंथीज में पाई जाती है। मल्टीपिगियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट है इंडोस्केलेटन ऑफ सी स्टार इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो मीजोडर्म से बना होता है। नेक्स्ट है पर्ल ऑयस्टर बिलोंग्स टू, तो बाइवाल्विया से बिलोंग करता है। पर्ल ऑयस्टर में हम पिंक टर्टल वल्गैरिस को मतलब पाते हैं। नेक्स्ट है रेडुला पाइला हेल्प्स इन, तो ये डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है द ओस्परेडियम इज बिलीव टू बी, ये तो कीमो रिसेप्टर की तरह वर्क करता है जो कि मोलस्का में पाया जाता है। नेक्स्ट वन आदि फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, तो नाउटिलियस जो है लिविंग फॉसिल के रूप में पाया जाता है जो कि मोलस्का का प्राणी है। नेक्स्ट है कंपाउंड आइज इज इन प्रॉम फॉर्म सुपर पोजिशन इमेज, तो हम पहले पढ़ चुके हैं डिम लाइट में। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ ओरिएंटेशन एंड इक्विलिब्रियम इन प्रॉन इज, तो ये होता है एंटीन्यूल। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एपिपोडाइट, तो इसका फंक्शन होता है रिस्पिरेशन में। नेक्स्ट है द इन पॉलीकीटा सिटी अकर्स इन, तो ये दो रहती हैं सिटी पॉलीकीटा में यानी कि नेरिस में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ दी सिफेलिक अपने मोलर एंड इंसिजर प्रोसेस इज प्रेजेंट, तो ये मैंडिबल में पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये फूड को चबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एनिलिड्स आर, तो एनिलिड मेटामेडिकली सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। जॉइंटेड फूड एनिमल्स आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स इकाइनोडर्मेटा को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।